हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अभी इस वक्त में आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके लिए। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी वो यहाँ पर जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो देख लेते हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है डीप इनसाइड आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए अभी इस वक्त की एनर्जीज, बताइए इस पर्सन की, इनके मन में क्या चल रहा है डीप इनसाइड, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है एडवेंचर एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्लोइंग डाउन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए क्लींजिंग टू द पास्ट, बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइज, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है फ्रेंडलीनेस, बॉटम ऑफ द डेक द ड्रीम, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए कंप्लीटेशंस, बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट, एक कार्ड और डीजे यूनिवर्स। और बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए दी बर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन काफी लोग फिर भी कमेंट में बोलते हैं कि आप राशियां बताया कीजिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आया है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, और ये आपका एरीज लियो एंड सेजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। तो ओवरऑल यहाँ पर सभी एनर्जीज हो गई हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए 6 और 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका हो गया जून और अगस्त मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो इस पर्सन के माध्यम से ही क्यों ना जुड़ गया हो। देखिए, हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग से कि अभी इस वक्त में आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी इस कदर इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि ये आपको इस वक्त में अपना एक ऐसा साथी मान रहे हैं जिसे ये हमेशा से अपने ही पास रखना चाहते हैं। और जिस मामले में कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं, यानी कि काफी सारे सपने भी संजोते हैं, या आप ये कह सकते हो जब आप लोग जब साथ में थे और आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, एक फ्लो में चल रहा था, एक बैलेंस में चल रहा था, तो ये अभी इस वक्त ना उन्हीं पलों को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। और उन पलों को याद कर करके आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई है, चाहे वो मुंह जुबानी बातें हुई हो, फोन पे बातें हुई हो, उन बातों को याद कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में अगर मैसेज के थ्रू बात हुई है तो ये उन मैसेजेस को काफी ज्यादा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मन में इस वक्त में है किसी तरह का गिल्ट, और वो गिल्ट है कि आप लोग कंप्लीट नहीं हो पाए, जिसमें कहीं ना कहीं गलती इन्हीं की तरफ से हुई थी, जिस मामले में इस पर्सन को अभी इस वक्त में काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। और इसी गिल्ट के बीच में ये पर्सन काफी ज्यादा फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके मन में इस वक्त चल रहा है कि ये आपसे बात करे या ना करे, आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, इस रिश्ते को फिर से रिबर्थ करे या ना करे, करे तो कैसे करे। तो इस वक्त में इस पर्सन के मन में इतने सारे सवाल मुझे
आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है कि जब आपको इस पर्सन की साथ की जरूरत थी, यानी कि आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हुआ था जिसमें कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं करना था, दोनों को करना था, लेकिन उस वक्त में इस पर्सन ने रिश्ते को बैलेंस नहीं करा। आपके साथ के रिश्ते के लिए इन्हें जो एफर्ट करना था, जो काम करना था, वो इस वक्त में इस पर्सन ने नहीं करा, जिस मामले में इन्हें काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है, और उसी गलत चीज को जो इन्होंने पास में ऑलरेडी कर दी है ना, उसे अपने माइंड से काफी ज्यादा क्लींस करने के मामले में भी सोच रहे हैं। वजह यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट होना चाह रहे हैं और रिश्ते का वापस से रिबर्थ करना चाह रहे हैं, वो इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रहा है। चीजें लाइफ में काफी ज्यादा स्लो चल रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने एफर्ट करना तो अब छोड़ ही दिया, तो ये सब देखना तो बेकार है, बट स्लोइंग डाउन एंड एडवेंचर कार्ड ये बात बताता है कि ये पर्सन ना जितना ज्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं ना, उतनी ही चीजें इनकी लाइफ में स्लो होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि बेबी स्टेप चल रहे हो, कि बच्चे की तरह चल रहे हो, जिस वजह से चीजें स्लो हो रही है, यहाँ पर ये है। तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी वजह हुई है जिस वजह से ये पर्सन जितने भी एफर्ट कर रहे हैं अब जाकर, पहले तो हालांकि इन्होंने नहीं करा है, लेकिन अब जाकर ये जो एफर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेबी स्टेप जैसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस वक्त में इस पर्सन के मन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चल रही है गिल्ट, और आपके साथ वापस से बात करने की इच्छा, जिस वजह से ये काफी ज्यादा आपको अपने सपनों में, अपने ख्वाबों में, अपने थॉट्स में शामिल करे बैठे हैं। ठीक है, टैरो से देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलग गाइस देखिए, मेरा एक और चैनल है हिंदी टैरो डेक, ये 222 है। दूसरे चैनल का नाम सेम ही है, बस 222 की जगह वहां पर 111 है, तो आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आती हूँ। ठीक है, और अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो आप इसी चैनल पे जाकर उसका लिंक भी ले सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सेक्शंस में आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक एवरीडे शेयर भी करती हूँ, तो आप उसे भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं, ये भी है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आती है उस पर भी रीडिंग, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उस चैनल पर भी मैं आपको नए नए अपडेट देती रह सकूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, एडवेंचर के मामले में क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। एडवेंचर के मामले में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेसिकली इसी तरह की एनर्जीज इनकी एडवेंचर के मामले में आई है। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली इस वक्त में इस पर्सन के मन में आपको खोने का डर काफी ज्यादा है, और काफी ज्यादा अफसोस इस पर्सन के मन में है इस चीज का। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस वक्त में कि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे प्रीशियस चीज को ना अपनी ही गलतियों की वजह से ऑलरेडी खो दिया है, ऐसा इस वक्त इस पर्सन के मन में काफी ज्यादा चल रहा है। और इनको ये लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरह से आपकी तरफ अपना ऑफर लेकर जाए, आपसे बात करे, या आप लोगों के बीच में अभी जो चीजें रुकी हुई है ना उसमें ये किसी तरह का एक्शन ले, किसी तरह का मूवमेंट ले, ताकि जो चीजें स्लो चल रही है, क्योंकि चल तो डेफिनेटली रही है, चाहे वो रिगड़ती रिगड़ती ही क्यों ना चल रही हो, इस पर्सन की नजरों में तो स्पेशली चीजें चल ही रही है, भले वो स्लो ही क्यों ना हो, तो ये उसमें स्पीड लेकर आने के मामले में इस वक्त काफी ज्यादा सोच रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली इस वक्त में ये पर्सन एक एडवेंचर वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। रीजन इनका यहाँ पर ऐसा सोचने का यही है कि इस पर्सन को काफी ज्यादा रिग्रेट इनसाइड हो रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं खुद ही के ऊपर ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि भाई मैं अपने आप से ये उम्मीद नहीं करता था या करती थी, उस तरह की एनर्जीज है। यानी कि ओवरऑल में सीधे सब शब्दों में बात करूं तो इनका खुद का जमीर ना इन्हें धिक्कार रहा है, इस तरह की एनर्जीज इनकी है। रीजन है कि इन्हें
आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन ये चाह कर नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि खुद से चीजें अब स्लो हो रही है। पहले तो इनके साथ ये हो रहा था कि अपने ईगो में बैठे थे और अब इन्हें अफसोस हो रहा है आपको खोने का, तो ये एफर्ट कर रहे हैं तो चीजें अब उस तरह से स्पीड पकड़ नहीं रही है। ठीक है, क्लींजिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए क्लींजिंग टू द पास्ट के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, इनके मन में क्या चल रहा है इस मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। तो पहला आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स अगेन आया है, नंबर टू यानी कि फरवरी मंथ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सिक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली एट नंबर तो है ही है। ठीक है, देखिए बेसिकली ये पर्सन जो इस वक्त में ना अपने पास्ट को भुलाने के मामले में सोच रहे हैं ना, वो पास्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस थ्री ऑफ सोर्स कार्ड। काफी ज्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है किसी और की वजह से, या फिर इन्होंने आपका दिल दुखाया है आप पर भरोसा ना करके या आपका भरोसा तोड़ के, जिस चीज को जिस बात को ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जहन से काफी ज्यादा क्लींस करने के मामले में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसी रीजन की वजह से इस पर्सन ने ना पास्ट में आपसे मूव ऑन करा, आपसे दूर जाने का इन्होंने डिसीजन ले लिया, यानी कि आपने इनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार फैलाया, खुशियां दी इनको, अपनी लाइफ में जो इन आपसे बनता था वो सब आपने दिया, और उन सब चीजों के होने के बावजूद इस पर्सन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, किसी तरह का एफर्ट नहीं करा, किसी तरह से बैलेंस नहीं करा, और बजाय इसके इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा। जिस पास्ट को, जिस टॉक्सिसिटी को, जिस मामले में इन्हें गिल्ट हो रहा है ना, उसे ये खुद से क्लींस करने के मामले में इस वक्त में सोच रहे हैं, और ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई चीजों को बैलेंस इन्हें खुद से करना चाहिए था। उस वक्त में आप अपनी साइड से चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स कार्ड है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि इस वक्त में इस पर्सन को ना इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि आपकी तरफ से तो इस रिश्ते में एफर्ट करे जा रहे थे, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोशिशें करी जा रही थी, कॉम्प्रोमाइज भी करे जा रहे थे, और शायद काफी ज्यादा चांसेस है इन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करा जा रहा हो, लेकिन इनकी साइड से कुछ नहीं हुआ। जिस चीज का इन्हें काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है और जिस मामले में ये काफी ज्यादा अब इस वक्त में सोच भी रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जीज इस वक्त में इस पर्सन की आई है। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ना ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप इस पर्सन को हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, तभी भी आप इनके साथ बने रहे, जिस चीज का रियलाइज इस पर्सन को अब हो रहा है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए फ्रेंडलीनेस के मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे यहाँ पर बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा इस वक्त में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके मामले में, आपके साथ जो भी इनकी लाइफ की विशेज है ना, उन सब के मामले में ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या सीधे शब्दों में बोलूं तो ये पर्सन ना काफी ज्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि आप लोग साथ में हैं, आप लोगों के साथ का इनकी जो भी विशेज है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने के मामले में, वो सब इनकी फुलफिल हो गई हैं, जिसमें आप इनके साथ हो, ये आपके साथ हैं, और ओवरऑल और इनकी डेस्टिनी जो बिगड़ गई थी, जो एक ट्रैक से हट गई थी, या इनके लाइफ में जो तुरंत बदलाव आया वो भी एक गलत वे में आया, वो सब चीजें अब सही हो गई है। तो उस तरह के डे ड्रीमिंग, उस तरह के ख्वाब इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, जिसे सोच सोच कर ये पर्सन काफी ज्यादा खुश भी हो रहे हैं और काफी ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव भी कर रहे हैं। इस तरह की सोच इस वक्त में इस पर्सन की है। इस पर्सन ने ना आपको
ब्लॉक कर रखा हो या इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर रखा हो। रीजन यहाँ पर इनका ऐसा करने का है कि किसी चीज को लेकर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं या आपसे अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं। यानी कि आपको तो ये चीजें लग रही है कि भाई इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, भाई ये मुझसे बातें नहीं कर रहा या कर रही, बट इसकी वजह यहाँ पर ये दिख रही है कि इन्होंने जो गलती करी है आपके साथ, इन्होंने जो आपका भरोसा तोड़ा, जो आप पर विश्वास नहीं करा, उस गलतियों के गिल्ट से बचने के लिए इन्होंने ऐसा कर रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूरियां बना रखी है, ताकि आप चार लोगों को ले जाकर इनके कंधे पर बंदूक रखकर इनके सारे आरोप उन चार लोगों के सामने ना बयान कर दो, या इनकी इमेज जो है इनके ही लोगों, चार लोग जिनको ये कभी शायद बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके सामने इनकी बनी बनाई एक झूठी फॉल्स इमेज खराब ना हो जाए। तो इसीलिए ये पर्सन ना अपने आप को प्रोटेक्ट करे बैठे हैं। आपके माइंड में तो है कि भाई मुझसे दूरियां बना रखी है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, तो वजह यहाँ पर ये है कि आप इनका पूरा कच्चा चिट्ठा ना खोल दो। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि भाई इनकी डेस्टिनी में जो भी विशेष थी वो सब फुलफिल हो गई है। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की सोच इस पर्सन की आई है इस वक्त की। कम्प्लीटिशियस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कम्प्लीटिशियस के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। तो पहला आया है द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। देखिए अगेन यहाँ पर नंबर एट आप लोगों के लिए आया है, काफी ज्यादा चांसेस है आपसे काफी ज्यादा रिलेट करता हो। हो सकता है रिश्ता आपका 8 साल का हो गया हो, 8 महीने से आप इस पर्सन से किसी तरह के कोई कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, या आप लोग अगर बाय चांस कांटेक्ट में रहे हैं तो इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति काफी ज्यादा चेंज हो गया हो, या वो मंथ था अगस्त जब ये आपको छोड़कर गए थे। तो इस तरह से आपको ये नंबर्स और ये मंथ लेकर चलने हैं। मैं इसीलिए बीच बीच में आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ इन चीजों को। बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में ना आपके प्रति बेहद ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और उसी अट्रैक्शन के बेसिस पर ये आपके साथ कंप्लीट होना चाह रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके बीच में जो भी खराब चीजें हो चुकी है उस पर काम भी करना चाह रहे हैं एक पॉजिटिव वे में। लेकिन इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि जो गए थे ना ये, तो इनका ही जाने का डिसीजन था, जो बेसिकली ये बता रहा है कि ये पर्सन काफी ज्यादा चांसेस है चुपचाप आपकी लाइफ से दबे बाव गए हो, जैसे एक चोर चला जाता है उस तरह से ये आपकी लाइफ से गए, जिसके बाद आप इस पर्सन की इमेज अपनी नजरों में ये बनाकर बैठ गए हो कि भाई बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था या थी, या बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं था या थी। इसी रीजन की वजह से इस पर्सन को अपने जाने का, जो चुपचाप दबे पाओ या आपकी लाइफ से गए है ना, उस मामले में इनको गिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से इनके मन में जो है ना कि आपके लिए आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करना, नई शुरुआत करना, तो ये पर्सन उस गिल्ट की वजह से, उस पास्ट में की हुई चीजों की वजह से चाहकर भी आपके लिए कोई एडवेंचर नहीं कर रहे हैं, या चाहकर भी ये आपकी तरफ एक बैलेंस के लिए बढ़ नहीं पा रही हैं। इस तरह की इच्छा, इस तरह की सोच इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रही है। ठीक है, रिबर्थ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए रिबर्थ के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, इनके मन में क्या चल रहा है रिबर्थ के मामले में। टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स को टेन ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई करा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये भी पहले स्टार्टिंग में अगर आपने रीडिंग देखी होगी तो ये भी बताया था कि ये पर्सन ना इस वक्त में आपके काफी ज्यादा मैसेजेस चेक कर रहे हैं, अगर इनके पास आपके कोई पुराने मैसेजेस है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जीज आई है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। इस वक्त में ये पर्सन आपको काफी ज्यादा ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, या फिर मोबाइल में इनके आपका किसी तरह का कोई पुराना फोटो हो, पुराना डीपी हो, पुरानी चैट हो, तो उन चीजों को ये काफी ज्यादा देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं अपने करे हुए पर। इस तरह के मन में इनके सोच चल रही है। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना
विद दिस टेन ऑफ सोर्स कार्ड, इस पर्सन ने ना जब रिश्ते का एंड हुआ तो वो डिसीजन इनका था, रिश्ते का जब डेथ हुआ वो डिसीजन इनका था, जो चीटिंग करी वो इन्होंने करी, चाहे दबे पाओ आपकी लाइफ से गए हो, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज में डाला हो, जिस रीजन की वजह से ये पर्सन इस रिश्ते का रिबर्ट करना चाहने के बावजूद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ, अपने आप को स्टक हुआ हुआ, बंधा हुआ फील कर रही है, ये चीजें यहाँ पर है इस वक्त में इनके मन में चल रहा है कि भाई ये आपकी तरफ बाय चांस ट्रेवल करके जाते हैं या आपकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हैं फोन के थ्रू, तो आप इस वक्त में इस एनर्जीज में इनसे बात करोगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड लॉजिक। जो आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है वो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जरूर आएगी, वो बात जरूर आएगी, वो सवाल जरूर आएंगे, और वही सवालों का जवाब ये आपको नहीं दे पाएंगे, उन्हीं सवालों के बीच में ये घिरे रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, जिस बेसिस पर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते का रिबर्ट करना चाहने के बावजूद, आपकी तरफ बढ़ना चाहने के बावजूद भी स्टक हुए पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि इस पर्सन ने पास्ट में भी आपके रिश्ते को लॉजिक के हिसाब से देखा, कैलकुलेशन करके देखा, और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से उसी रिश्ते को कैलकुलेशन के हिसाब से ही देख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी ये है। ठीक है, इनके मन में चल तो आप ही के विचार रहे हैं, लेकिन साथ में इनके मन में आपके मामले में कैलकुलेशन भी चल रही है कि आप इन्हें अब क्या जवाब दोगे, किस तरह का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो आप, वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इस वक्त में इस पर्सन के मन में डेफिनेटली चल रही है। ऊपर से चार दोस्त, चाहे झूठे ही क्यों ना हो लेकिन दिखावे के लिए तो वो दोस्त दोस्त ही है। चलिए आपके लिए ये देखते हैं कि जब इतनी ही इस पर्सन के मन में आपसे बात करने की इस वक्त में इच्छा है, तो क्या रिसेंटली इनका आपकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, गाइड कीजिए। तो पहला आया है जस्टिस एंड दूसरा आया है स्टार। भाई देखो, बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है इन दो कार्ड्स के थ्रू, जी हाँ, इस पर्सन के काफी ज्यादा चांसेस हैं आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करने के, क्योंकि बेसिकली इस पर्सन को ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने ना ऐसा सब करके अपनी इमेज भी आपकी नजरों में खराब करी है, और साथ में इन्होंने आपको रेस्पेक्ट भी नहीं दी, आपके साथ न्याय भी नहीं करा, टोटली अनफेयर इन्होंने करा है। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं ये इस पर्सन का कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, उसके चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समय लग सकता है, वो भी डिपेंड करता है ये पर्सन अपने आप को इस गिल्ट से कब तक निकाल सकते हैं, ये चीजें हैं, क्योंकि लॉजिक बहुत देख रहे हैं ना, प्यार नहीं देख रहे हैं ये इस वक्त में, आपकी तरफ का प्यार नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी सिचुएशन आई है उस मामले में, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस मामले में। तो पहला आया है ट्री, दो कार्ड्स आए ग्रे और मॉरेल, गाइड कीजिए वो बताइए, एंड विच। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किस तरह की एनर्जीज आपके लिए आई है। यहाँ पे आया है विच, जस्टिस इज कमिंग, जो आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आने के मामले में सोच रहे हैं, और जिसके लिए हमने कार्ड निकाला कि न्याय तो आपको बिल्कुल मिलेगा, तो वही आया है कि भाई न्याय तो आपको बिल्कुल मिलेगा, जस्टिस आप ही की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, आपको अभी ना इस पर्सन को इसके गिल्ट में ही रहने दो, लेट देम गो, इसे पूरी तरह से जाने दो, इसको इतना ज्यादा गिल्ट होने दो जो कभी ना कभी इन्होंने आपके ऊपर डाला था या थोपा था या आपके ऊपर किसी तरह के ब्लेम्स लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो एनर्जीज में है ना, कि भाई इन्हें गिल्ट हो रहा है अपने किए हुए का, इन्हें एहसास एक बार होने दो, क्योंकि जब एक पर्सन को अपने किए हुए का एहसास हो जाता है तभी वो आपके लिए लॉयल हो पाता है या पाती है, तभी आगे वो रिश्ता कंटिन्यू कर पाता है या कर पाती है। तो अभी के लिए आपको इनके लिए बोला जा रहा है भाई इन्हें अभी इनके हाल पर छोड़ दो, इन्हें गिल्ट हो जाने दो, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, जब ये अपने गिल्ट
को फील करेंगे ना, तभी आपको न्याय मिलेगा। बेसिकली मेरा मतलब कहने का यहाँ पर ये है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आपसे कि भाई इस बीच में भाई आप कैसे अपने आप को संभालो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है आप उन पर अपना फोकस लगाइएगा, या आपका कोई सपना था, एम था, या अभी आपने अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो आप उन चीजों को कीजिएगा जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो टोटली उस पर आप अपना फोकस कीजिएगा। और जो भी इस रिलेशनशिप का रिजल्ट आएगा ना, वो एकदम यूनिक ही होगा, यानी कि आपके फेवर में ही होगा, यानी कि आपको न्याय ही यहाँ पर मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है आपसे। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि तब तक आपको ये करना है भाई, इस पर्सन को डेफिनेटली गिल्ट तो आपको फील कराना ही होगा, अगर आपको अपनी इम्पोर्टेंस इस पर्सन की लाइफ में बनाए रखनी है, तो अगर इनके साथ रिश्ते को कंप्लीट रखना है तो ऐसा आपके लिए गाइडेंस आई है। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग आई है और काफी अच्छी गाइडेंस आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो और रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।